बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 23 के अंदर आज हम क्लोनिंग ऑफ जीन के बारे में पढ़ेंगे। क्लोनिंग ऑफ आ जीन। सो व्हाट इज़ क्लोनिंग? क्लोनिंग से स्टार्ट लेंगे हम। सो क्लोनिंग इज़ बेसिकली प्रोसेस इन विच वी मेक या मेकिंग ऑफ आइडेंटिकल कापीज। ठीक है, के आइडेंटिकल कापीज़। आइडेंटिकल किसे कहते हैं? मतलब एक जैसी कापीज़ को जो बनाना, उसे हम क्लोनिंग कहते हैं, आइडेंटिकल कापीज़। ठीक है, जिस तरह फ़ोटो कापी होती है, इस तरह आप कह रहे हैं आइडेंटिकल कापीज़ करना क्लोनिंग कहलाता है। और जीन किसे कहते हैं? जीन इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए या हेरिडिटरी मटेरियल भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, विच कह लें कि विच हैव अ फिनोटाइप कह लें, या विच कैन कोड अ प्रोटीन। ठीक है, जो कि एक प्रोटीन के लिए कोड रखता है, सही, उसे हम जीन कहेंगे। सही। सो इसके अगर मैं शुरू में आपको एक स्टोरी सुना दूं, मतलब हमने एक जीन लिया। ठीक है, जीन फॉर एग्जांपल था वो किसका? इंसुलिन का। ठीक है, तो हमने इस इंसुलिन की क्या करनी है? क्लोनिंग, यानी हमारे पास टारगेट है कि हमने इंसुलिन की क्लोनिंग करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसका जीन उठा के हम किसी ऐसी जगह पे लेके जाएंगे जहाँ पे कापीज हो सके। मतलब फ़ोटो कापियर हमें चाहिए होगा, वी नीड अ फोटो कापियर। ठीक है, फिर वो उसकी कापीज बनाएगा, देन देर विल बी कापीज। ठीक है, यहाँ पे जो फोटो कापियर है, बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है, उसको कहते हैं हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जीन बेसिकली हमने कहाँ पे लेके जाना है? एक फोटोकॉपियर में। तो फोटोकॉपियर एक बेसिकली ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया होता है। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। अब आप सोच रहे होंगे ट्रांसजेनिक क्या होता है? तो बेसिकली ट्रांसजेनिक वो बैक्टीरिया जिसके अंदर फॉरन डीएनए, ठीक है जी, हैविंग, दूसरे लफ्जों में सब कहेंगे जी हैविंग अ फॉरेन डीएनए। ठीक है, यानी बाहर का डीएनए इसके अंदर मौजूद होगा, फॉरेन डीएनए। फॉर एग्जांपल इसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया के अंदर कौन सा जीन होगा? हमारा इंसुलिन का जीन होगा। ठीक है, इसलिए हम क्या कहेंगे? ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। यानी जीन हमने एक फोटोकॉपियर के अंदर डाला, फोटोकॉपियर से हमें कापीज मिल रही हैं, और वो फोटोकॉपियर, ये सारी फोटो कापिंग का जो मैकेनिज्म है, उसे हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसे हम आगे पढ़ने चाह रहे हैं। सही। और एक और टेक्निक भी है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अलावा, एंड पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दोनों में फर्क क्या है? वैसे हम पीसीआर आगे पढ़ेंगे, रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी पे हम पढ़ने जा रहे हैं। दोनों में फ़र्क क्या है कि पीसीआर सिर्फ कापीज बना सकता है, ठीक है, जबकि जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया है, ये उसकी इवन प्रोटीन के कापीज भी बना सकता है, प्रोटीन भी बना सकता है ये, जबकि पीसीआर के अंदर आप प्रोटीन नहीं बनवा सकते। सही। लाइक जिसके अंदर, जिस ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन का जीन मौजूद होगा, वो आगे प्रोटीन बना सकेगा, नहीं इंसुलिन बना सकेगा। सही। पीसीआर के अंदर ये मैकेनिज्म नहीं है। यानी दूसरा, ये इन वीवो होता है, ये जो रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है, इनसाइड ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ये सारा रिकम्बिनेंट आपने बैक्टीरिया में यूज़ किया, तो आप ये सारा प्रोसेस बैक्टीरिया के अंदर होता है, जबकि पीसीआर जो है वो आउटसाइड होता है सेल। यानी ये इन विट्रो टेक्नोलॉजी है, आउटसाइड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? इन विट्रो टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन विट्रो टेक्नोलॉजी है। सो पीसीआर हम आगे पढ़ेंगे, अभी हमने क्या स्टडी करना है? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को समझने के लिए एक यहाँ पे डायग्राम भी है जो मैं आपको दिखा दूँ। थोड़ा सा ये टॉपिक बड़ा है, एक लेक्चर में कवर नहीं होगा। हम जो आज हम इसके आधे टॉपिक्स आज पढ़ेंगे, आधे अगले लेक्चर के अंदर। सो ये उसकी एक पिक्चर डायग्राम है, जिसके अंदर आपके पास सबसे पहले क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, उसे आपने अलहदा करना है। ठीक है, यानी सबसे पहला स्टेप क्या होगा? जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सबसे पहले आप लोकेट करेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट को, जिस तरह आपको यहाँ पे एक हमिंग बर्ड का एक
सेल है, हमिंग बर्ड सेल, उसमें से आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला है, ठीक है। फिर उसके ऊपर आप मॉलिक्यूलर सीजर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर सीजर्स क्या होते हैं वो हम आगे जाके पढ़ेंगे अभी इसी लेक्चर के अंदर। उसके ऊपर आपने मॉलिक्यूलर सीजर्स अप्लाई करने हैं, ठीक है। क्या करेंगे ये कट द जीन, ठीक है जी, जीन ऑफ इंटरेस्ट कर ले, कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको ये कट करेंगे एट स्पेशल पॉइंट्स, ठीक है, उन्हें हम स्टिकी एंड्स कहेंगे, सही। उसके बाद आपने यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट लोकेट किया, फिर उसके बाद उसने डीएनए के फ्रेगमेंट्स हासिल किया आपने, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड डीएनए के फ्रेगमेंट्स, और उसके बाद आप उसे रिकम्बिनेशन के अंदर लेके आ रहे हैं, ठीक है। यानी इसे आप ये नॉन रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है, इसको आपने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड के अंदर, ये एज अ मॉलिक्यूलर कैरियर यूज होगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर कैरियर आप जनरेट करेंगे बाय जनरेट बाय रिकम्बिनेशन, ठीक है जी। अब यानी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने निकाला था उसे आप रिकम्बाइन कर देंगे किसके साथ, जो आपका वेक्टर होगा, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूलर कैरियर को दूसरा लफ्ज़ क्या देते हैं हम, वेक्टर को, जिस तरह मच्छर है ना, मच्छर मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम होता है, तो बेसिकली प्लाज्मोडियम जो सा वो इंसानों में डिजीज़ फैलाता है, जबकि जो मच्छर है वो उसका क्या कहलाता है, वेक्टर। ये भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे वेक्टर के ऊपर जब जाएंगे। सो मॉलिक्यूलर कैरियर के अंदर जो जनरेट होगा बाय रिकम्बिनेशन विद किसके साथ, जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ, सही। सो ये जो थर्ड स्टेप आ जाएगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट की रिकम्बिनेशन होगी मॉलिक्यूलर कैरियर यानी प्लाज्मिड के साथ, बैक्टीरियल प्लाज्मिड के साथ। और अब हम उस प्लाज्मिड को दोबारा इंट्रोड्यूस करवाएंगे किसके अंदर, वापस बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे, और फिर उसकी कॉपिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट अलॉन्ग विद कह लें कि वेक्टर, ठीक है जी, इज इंट्रूडेड, इंट्रूडेड से मतलब दाखिल किया जाता है, ठीक है, इंट्रूडेड इन कह लें कि केमिकल मशीनरी के अंदर, ठीक है, इन बैक्टीरिया सिंपल कह लेते हैं, ठीक है। इसे वापस हम किस में डालेंगे, बैक्टीरिया के अंदर, सही। सो बैक्टीरिया को फिर हम क्या करेंगे, कल्चर करेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया का फिर आगे क्या होगा, कल्चर यानी पैट्री डिश के अंदर डाल के ना उसके कल्चर होता है, सही। कल्चर के बाद हमारे पास दो चीज़ें आएंगी, या तो हम उस जीन का प्रोडक्ट ले सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमने इंसुलिन के जीन डाले थे तो आप इंसुलिन उसमें से हासिल कर सकते हैं, यानी बैक्टीरिया इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा क्योंकि वो एक्सप्रेस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आप उसमें से कॉपीज ऑफ जीन भी ले सकते हैं, ठीक है। वैसे कॉपीज ऑफ जीन लेने के लिए पीसीआर ज़्यादा अच्छा टेक्निक है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ऑफ जीन लेना है, मतलब हमें वो प्रोटीन मिलेगी जिसका वो जीन है, सही। सो प्रोडक्ट ऑफ जीन में बेसिकली हमें वो प्रोटीन मिलेगी, प्रोटीन कैन बी आ जैसे एग्जाम्पल लेते हमने इंसुलिन हो सकती है, सही। सो ये हो गया, सबसे पहले आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट इकट्ठा करना है, सही। और आज का हमारा टॉपिक भी यही होगा कि हम जीन ऑफ इंटरेस्ट किस तरह निकालते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म से, सही, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा स्टेप क्या होगा, क्या आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए मॉलिक्यूलर सीजर्स यूज़ किए, जिसे हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी कहेंगे आगे जाके, और फिर उसको आपने एक वेक्टर के साथ रिकम्बाइन किया यानी रिकम्बिनेशन किया उसकी, उसके बाद रिकम्बिनेशन के बाद उसे दोबारा आपने बैक्टीरियल बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, और इंट्रोड्यूस करवाने के बाद उसकी आपने कॉपीज ले ली। कॉपीज लाने के बाद आप उसमें से प्रोटीन का प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं लाइक इंसुलिन, और या फिर कॉपीज ऑफ जीन भी आप उसमें से अलग कर सकते हैं। ओके, अब हम इस इन ही स्टेप्स की डिटेल पढ़ेंगे, मतलब सबसे पहले आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट किस तरह लेना है, ठीक है जी। सबसे पहला जो स्टेप होगा, हाउ टू गेट जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। आप जीन ऑफ इंटरेस्ट किस तरह लेना लेंगे, तो इसका तीन तरीके हैं जो हम आपकी बुक के मुताबिक तीन तरीके जो कि हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये होगा कि आइसोलेट करेंगे हम इसे फ्रॉम क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम से हम इसे यानी आइसोलेट करेंगे। दूसरा क्या प्रोसीजर है
कि हम उसे केमिकली सिंथेसाइज करेंगे, जो कि बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है इसका, सिंथेसाइज करेंगे, ठीक है। यानी जिस तरह आप कह लें कि मॉलिकुलर फार्मूला होता है, अगर छोटा जीन है तो उसे हम सिंथेसाइज कर सकते हैं, बड़ा जीन जिसमें ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसे सिंथेसाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, सही। और सी है टू मेक इट फ्रॉम आरएनए, टू मेक इट फ्रॉम आरएनए, आरएनए मतलब राइबोसोमल लाइक न्यूक्लिक एसिड जो सा है। सो दोनों तीनों पॉइंट्स को अगर हम डिस्कस करें तो इसमें से जो ज़्यादा सूटेबल है वो फर्स्ट वन है। क्यों? क्योंकि आप हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम से हम आइसोलेट किस तरह करते हैं, कि यहाँ पे आपको यानी कम कह लें कि बजट यूज़ करना पड़ेगा, सही। आइसोलेट्स आइसोलेशन ये जो सा है ये बेस्ट प्रोसीजर है और कॉमनली यूज भी होता है, कॉमनली यूज प्रोसीजर ये है। लेकिन अगर जीन छोटा हो, इफ जीन इज स्मॉल, इज स्मॉल, तो आप उसे सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर फैसिलिटी अवेलेबल है आपको आरएनए वाली, ठीक है, हालांकि ये डिफ़िकल्ट होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस है कि आप आरएनए से वापस डीएनए जनरेट करो। इसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज़ होता है एंजाइम, जो कि एचआईवी वायरस के अंदर मौजूद होता है, ठीक है, तो जो कि थोड़ा मुश्किल है करना। तो सबसे बेस्ट तरीका जो है वो आइसोलेटेड फ्रॉम क्रोमोसोम, हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। मतलब एक सेल है, सेंटर में उसके न्यूक्लियस है, इसके अंदर डीएनए मौजूद है, ठीक है, इसके अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यू हैव टू किल द साइटोप्लाज्म, ठीक है। सबसे पहले आपने साइटोप्लाज्म को किल करना होगा, उसके बाद न्यूक्लियर, नहीं सबसे पहले उस बल्कि आप सेल मेम्ब्रेन को किल करोगे, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन किल होगी, देन साइटोप्लाज्म को किल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ते हो, फिर बीच में से डीएनए निकलेगा, ठीक है। डीएनए में से आपने जो सा है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट कट करना है, ठीक है जी। मतलब पहले आप डिसॉल्व कराते हो पूरे सेल को, मतलब उसकी सेल मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाए, उसके उसकी साइटोप्लाज्म डिसॉल्व हो जाए, ठीक है, फिर उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाए या डिसॉल्व हो जाए, फिर बीच में से क्रोमोसोम्स निकलेंगे, क्रोमोसोम्स में से आपने डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है, यानी अलग करना है, सही। तो ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस नहीं होता, यानी केमिकल्स टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, उसके अंदर आप केमिकल्स डाल देते हैं, ठीक है, वो डिसॉल्व कर लेते हैं, फिर बीच में से हमें और केमिकल्स डालते हैं, हमें आइडिया होता जाता है कि जी अब जो सा है वो डीएनए निकालने का टाइम आ गया, ठीक है। जब डीएनए निकालने का टाइम आता है उस टाइम फिर हम इंजाइम्स ऐड करते हैं, ठीक है, उन्हें हम रेस्ट्रिक्शन इंजाइम्स कहते हैं, ठीक है जी। यानी सबसे पहले हमने क्या किया, डिसॉल्व सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, फिर डिसॉल्व साइटोप्लाज्म, फिर डिसॉल्व न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर हमारे पास आएगा क्या भला, क्रोमोसोम्स आएंगे, क्रोमोसोम्स एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। अब उसमें से क्रोमोसोम बाहर निकाल लेते हैं, फिर उसमें से आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, फिर उसे आइडेंटिफाई किस तरह करना है, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसीजर है, लेकिन चले आपके पास क्रोमोसोम जब आपने निकाला तो आपके पास क्या आ गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट की इंडिकेशन हो गई आपने आपके सामने। अब आपने क्रोमोसोम में से जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालना है, इस प्रोसेस के लिए हम कुछ मॉलिक्यूलर सीजर्स यूज़ करते हैं, सही। यहाँ पे जाके आपके मॉलिक्यूलर सीजर्स इस तरह की कैंची होती है, ठीक है, मसलन ये डीएनए है और ये जो सा है मॉलिक्यूलर सीजर है। सीजर का तो पता ही होगा आपको, सीजर किसे कहते हैं, कैंची को, ठीक है, जिससे आप कपड़े काटते, सामने बनी हुई है बल्कि। सो कैंची से आपने क्या करना है, क्रोमोसोम्स में से जीन ऑफ इंटरेस्ट लैदा करना है। तो उसके लिए हमारे पास कौन से एंजाइम्स होंगे, वी यूज मॉलिक्यूलर सीजर, जिसे हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी कहते हैं या रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेजेस भी कहते हैं, सही। और ये सारा काम जो है ना वो टेस्ट ट्यूब में हो रहा होता है, आपने खुद नहीं जाना पड़ता आपको, नहीं जिस तरह आप कह रहे हैं कि कैंची पकड़ के आप साथ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं, आप टेस्ट ट्यूब्स के अंदर क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये टेस्ट ट्यूब है, तो इसके अंदर आपका डीएनए पड़ा हुआ है, जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, इतना लिक्विड का पोर्शन जिसके अंदर डीएनए मौजूद है, फिर इसके अंदर आप क्या डाल दोगे, रिस्ट्रिक्शन
इंडो न्यूक्लियसिस, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल है जी, इसमें हम जो पढ़ेंगे वो है एक इको आर वन, ठीक है। नीचे इसकी बल्कि एक डायग्राम भी पड़ी हुई है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है ठीक है, इको आर वन। तो इस अगर आप देखें तो इको आर वन ये डीएनए का पोर्शन है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, फिर 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और ये इस तरह बीच में इको आर वन अगर आप देखें तो ये सेंटर में से डीएनए को तोड़ रहा है, ठीक है। और बीच में ये स्टिकी एंड्स रह जाते हैं, ठीक है। क्लीविज इको आर वन की वजह से एंड पे के रह गए स्टिकी एंड्स, डबल ए डबल टी और डबल टी डबल ए, ये अलहदा अलहदा हो गए, सही। अच्छा, थोड़ा बहुत लिटल अबाउट इंडो न्यूक्लियसिस की हिस्ट्री अगर हम देखें, इंडो न्यूक्लियसिस, इंडो न्यूक्लियसिस जिसे हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी कहते हैं, ये बेसिकली बैक्टीरिया बनाता है, बैक्टीरियल डिफेंस के लिए होते हैं, बैक्टीरियल डिफेंस अगेंस्ट वायरसेस, ठीक है। यानी बैक्टीरिया बेसिकली इसे बनाता है कि वायरसेस का डीएनए तोड़ा जाए, ठीक है, ताकि उनकी जो पैथोजेनेसिटी, क्योंकि जो वायरसेस है ना, जिस तरह बैक्टीरियोफेज है, एग्जांपल के तौर पर जो बैक्टीरियोफेज किसे कहते हैं, वैसे आपको पता होना चाहिए, बैक्टीरियोफेज कहते हैं बैक्टीरिया ईटर को, ठीक है। यानी वो बैक्टीरियोफेज, यानी वो फेज वायरसेस जो बैक्टीरिया को खाते हैं या बैक्टीरिया के अंदर बीमारी फैलाते हैं, तो उसके अगेंस्ट में इंडो न्यूक्लियसिस बैक्टीरियल सेल बनाते हैं, ठीक है। तो एक 1970 के अंदर, इन 1970 के अंदर ओ स्मिथ, ठीक है, हैमिल्टन ओ स्मिथ था, हैमिल्टन ओ स्मिथ, ठीक है, ये जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी, उसके अंदर उसने इसे आइसोलेट किया था, आइसोलेटेड जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी की लैब के अंदर, यूनिक की लैब के अंदर इसने आइसोलेट किया इंडो न्यूक्लियसिस को, कहाँ से, बैक्टीरियल सेल के अंदर, ठीक है। यानी इकोलाई बेसिकली बैक्टीरिया था जिसमें से उसने इसे एक्सट्रैक्ट किया था, और फिर उसने उसे अप्लाई किया अपने कह लें कि एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, फिर उसे पब्लिश किया। यानी जरूर पता है जब भी कोई रिसर्च होती है वो पब्लिश होती है प्रॉपर वे से। अच्छा, उस रिसर्च के अंदर एक और चीज़ नोट की थी कि जो बैक्टीरियल एंजाइम्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, बोला रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियसिस है, ये खास एरिया पे जाके एक्ट करते हैं, ठीक है। जिस एरिया पे एक्ट करते हैं उस एरिया को हम कहते हैं पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस, ठीक है। यानी ये रिवर्स ऑर्डर के अंदर पड़े होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस, ठीक है। यानी पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस जो कि डीएनए का खास रिवर्स ऑर्डर के अंदर पड़े होते हैं, जिस तरह मतलब AATT है, इस तरह TTAA, तो रिवर्स ऑर्डर्स हैं एक दूसरे के ना, तो उससे पड़े होते हैं, तो वहाँ पे जाके ये एंजाइम्स एक्ट करते हैं, और जब ये एक्ट करते हैं तो एंड के ऊपर हमें क्या मिलते हैं, स्टिकी एंड्स। अच्छा, ये जो कह लें कि कैंची फेरने के बाद, या जिसे कहें कि इंडो न्यूक्लियसिस के एक्शन के बाद जो बीच में डीएनए बनता है, डबल ए डबल टी और डबल टी डबल ए, इन्हें हम स्टिकी एंड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आके आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ सकते हो, ठीक है, जो भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो आप यहाँ पे जोड़ सकते हो। सो टेस्ट ट्यूब्स के अंदर डीएनए था हमारे पास, डीएनए के अंदर हमने इंडो न्यूक्लियसिस डाले, अब हमें मतलब उसे हम इंक्यूबेशन पर रख देंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड, आफ्टर 1 आवर आप उसके अंदर क्या डालेंगे, इंडो न्यूक्लियसिस डाल देंगे, सॉरी इंडो न्यूक्लियसिस डाल दी हमने, सॉरी जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे इसके अंदर, क्या डालेंगे, आवर आप उसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देंगे, सही। अच्छा, अब उन्हें मॉलिक्यूलर को वापस जोड़ना भी है, जोड़ने के लिए कौन से एंजाइम्स यूज होंगे, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो लाइगेजेस एंजाइम्स हैं जो कि डीएनए को वापस जोड़ते हैं, मतलब जिस तरह मॉलिक्यूलर सीजर्स हैं इंडो न्यूक्लियसिस जिसे हमने कहा है, इस तरह लाइगेजेस एंजाइम्स हैं जो कि डीएनए को वापस इस पोर्शन पे जोड़ेंगे। यानी फिर हम लाइगेजेस प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके स्टिकी एंड्स के अंदर जोड़ देंगे, सही। उसके बाद फिर यानी ये बेसिकली स्टिकी एंड्स जो से बनेंगे ना, वो किस में बनते हैं, एक वेक्टर के अंदर, ठीक है। ये बेसिकली वेक्टर होता है जिसे हम प्लाज्मिड भी कहेंगे, प्लाज्मिड पे हम कल डिस्कस करेंगे, वैसे मतलब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो जीन ऑफ इंटरेस्ट साथ लाइगेजिस जो कि वेक्टर के अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ देंगे, ठीक। तो यहाँ तक मॉलिक्यूलर सीजर्स का रोल हो गया, आगे हम प्लाज्मिड और फिर ये फिर कॉपीज किस तरह बनता है, एक्सप्रेशन किस तरह आती है, उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे।